खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दा दुखायो ना। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आज की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सोया चाप मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सोया चाप, और ये मैंने लगभग हाफ के जी ली है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही आसानी से मिल जाती है ये मार्केट में। और ये देखिए इसकी स्टिक्स हम इस तरीके से निकाल लेंगे एक एक करके, और ये देखिए। और इसके बाद हम इसे स्लाइसिस में कट कर लेंगे, बिकॉज इनके पीसेस बहुत ही बड़े हैं, तो छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। सबके हम इसी तरीके से पीसेस कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस, और अब इन्हें हम एक कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि ऑयल ले लेंगे, और इसमें हम डीप फ्राई करेंगे इनको अच्छे से। और इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये डार्किश ब्राउन ना हो जाएं, एकदम ब्राउन कलर ना आ जाए, कुरकुरे से हो जाएंगे, तब तक इन्हें अच्छे से भुनना है। तो लगभग इसमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। और ये जो सोया चाप मसाला की रेसिपी है, ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होती है, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन होता है। और ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और अब इन्हें हम मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी दही, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ढक करके इसे लगभग 30 मिनट के लिए इसी तरीके से रख लेंगे, ताकि जो सोया चाप है ये अपने अंदर अच्छे से इन मसालों को, दही को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम एक कढ़ाई लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और उसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, तेज पत्ता डालेंगे 2 से 3 पत्ते, और इसमें डालेंगे 1 बड़ी काली इलायची, और फिर डालेंगे इसमें हरी इलायची और दालचीनी, और इसे हल्का सा सौते कर लेंगे, हल्का सा चला लेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज, बहुत ही ज़्यादा पतले नहीं काटे हैं मैंने, और इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इन्हें भी लगभग तब तक भुनना है जब तक ये थोड़े से ब्राउन कलर में आ जाएँ, थोड़े से लाइटिश ब्राउन हो जाएं, तब तक इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक ये फ्राई होंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर, और हरी मिर्चें डालेंगे कटी हुई 4, और इन्हें फिर से अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट तक इसे भुनना है लो फ्लेम पे, जब तक कि हमने ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है ये भी अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा सा मसाला ड्राई हो चुका है। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए हम भुन लेंगे। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है, और इसमें डालेंगे हम टमाटर कटे हुए 2 टमाटर डालेंगे, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालते वक्त आपको इस टाइम पे यही ध्यान रखना है कि हमने जब हमने सोया चाप को मैरिनेट किया था तो उसमें भी हमने नमक डाला था, तो आप उस हिसाब से नमक डालें कम या ज़्यादा जैसा आपका टेस्ट हो। और अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। हल्का सा पानी और डालेंगे इसमें, बिकॉज़ ये जो मसाला है थोड़ा सा ड्राई होने लग जाता है। अब इसको हम 3 मिनट के लिए ढक्कन से ढक लेंगे और लो फ्लेम पे, और 3 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी ये जो थिक ग्रेवी है ये बन चुकी है। तो इसे हल्का सा चला लेंगे और अच्छे से, ताकि जो थोड़े भी टमाटरों के स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएं। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और ये चाप की रेसिपी बहुत ही यम्मी लगती है, और आप इजीली इसे घर पे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जो सोया चाप मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे हम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए, और हल्का सा पकाएंगे इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक। इसे इसी तरीके से लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, और इसे फिर से थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी थिक हो गई है,
और इसमें डालेंगे हम एक कटोरी पानी। लगभग 3 से 4 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो चाप है वो अंदर तक ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले और जो मसाले हैं वो उसके अंदर अच्छे से घुल जाएं। और इसे ढक्कन से ढक लेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद हमने जब इसका लिड ओपन कर लिया तो ये हमारी सोया चाप मसाला की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है इसकी। तो इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं, ये देखिए। और ये दिखने में जितनी ही यम्मी लग रही है, खाने में ये उतनी ही लाजवाब लगती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आपको इसे बनाते वक्त यही ध्यान रखना है कि आप जितना इसका मसाला भुनेंगे अच्छी तरीके से, उतनी ही ये सोया चाप और भी निखर के बनती है। आई होप आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को एक बार प्रेस जरूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।